जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला था, जिस पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्मृति ने कहा कि पीएम की बढ़ती लोकप्रियता से राहुल परेशान हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान स्मृति ने अमेठी कार्ड भी खेला। अमेठी से चुनाव लड़ चुके स्मृति ने कहा कि स्वाभाविक है कि राहुल छुट्टी से लौटने और आत्मचिंतन करने के बाद थोड़े विचलित हुए होंगे कि पीएम की लोकप्रियता बढ़ रही है। कल कुछ वाक्य राहुल जी ने देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के संदर्भ में कहे। सतत चुनावों में कांग्रेस की हार इस बात का संकेत है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखा चुकी है और जनता का सहयोग और सदैव आशीर्वाद नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। ये स्वाभाविक है कि राहुल जी छुट्टी से लौटने के बाद, आत्मचिंतन करने के बाद थोड़ा विचलित हुए होंगे कि निरंतर नरेंद्र भाई की पॉपुलैरिटी नेशनली इंटरनेशनली बढ़ रही है और ऐसे माहौल में उनका प्रधानमंत्री जी पर ओछी टिप्पणी करना और अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने का निम्न स्तर का प्रयास करना बहुत ही स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी, जनता जनार्दन का सहयोग, चुनाव में जनता का नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास, वोट के माध्यम से समर्थन ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा जवाब है। जिस व्यक्ति ने अपने 10 साल के राजनीतिक करियर में अमेठी में विकास नहीं किया, वो उस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहा है जिन्होंने 10 साल के अंतराल में गुजरात के पूरे प्रदेश को विश्व में आर्थिक रूप से एक सशक्त ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। तो नोटबंदी के बाद से ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और यहां तक कि पिछले दिनों राहुल ने पीएम मोदी पर गुजरात का सीएम रहते हुए पैसे लेने का आरोप भी लगाया था, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखते रहिए डीबी लाइव।